जय हिंद, नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में डिजिटल क्लॉक सेट कैसे करते हैं, टाइम सेट कैसे करते हैं, डेट सेट कैसे करते हैं, डे सेट कैसे करते हैं, ईयर सेट कैसे करते हैं और टेम्परेचर सेट कैसे करते हैं, इसके बारे में चर्चाएँ करेंगे। तो अभी जो हमारे पास में घड़ी में जो है, आप जैसे देखते हैं कि 11:00 इसमें 26 मिनट हुआ है, 19 तारीख दिखा रहा है, 8 महीना और थर्सडे दिखा रहा है और टेम्परेचर 29 दिखा रहा है, लेकिन ये सब गलत है। मेरे वास्तविक समय जो होता है 10:20 हो रहे हैं। तो उसको हम कैसे सेट करें, सेट करने के लिए क्या करेंगे, आप देखते हैं यहाँ पर। ये अलार्म सेट करने के लिए ऑन ऑफ, यहाँ पर ऑन होता है अलार्म, यहाँ पर ऑफ होता है। और ये घड़ी का जो यहाँ पर नॉर्मल है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नॉर्मल है। और टाइम सेट करने के लिए यहाँ बीच में सेटिंग कर देते हैं, तो बीच में सेटिंग कर देंगे तो ब्लिंकिंग करने लगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ब्लिंकिंग कर रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पर अप और डाउन, अप वाले से क्या होगा ऊपर जाएगा और डाउन वाले से नीचे होगा। तो अभी देखेंगे कि हमारे पास में 11:00 अगर डाउन ऐसे बटन दबा देंगे तो क्या होगा, हमारा 10 हो गया। अगर ऐसे भी और डाउन करना होगा, अप करना होगा, तो आप अप डाउन बटन से अप डाउन कर सकते हैं, ब्लिंकिंग कर रहा है। उसके बाद में क्या करेंगे, मोड बटन दबा दिए, अब क्या होगा, मिनट में ब्लिंकिंग करने लगा। तो हमारा 27 हो रहा है, हमें 20 रखना है। तो क्या करेंगे, ये डाउन बटन को प्रेस कर देंगे, इस प्रकार से प्रेस करेंगे, देखिए आप 20 हो गया। अब उसके बाद में फिर मोड बटन को प्रेस कर देंगे, मोड बटन करने के बाद में ये पूरे साल ब्लिंकिंग कर रहा है। इसमें क्या होता है, साल 1999 दिखा रहा है। तो अगर मान लीजिए कि 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2021, 2021 तक करना होता है, इसका प्लस बटन को इसको दबाना पड़ेगा और अपने आप ही ये क्या होता है, भागते जाता है। लेकिन इसका बटन में थोड़ा सा डिफेक्ट है, इसलिए क्या करते हैं, अगर ये डाउन में करेंगे तो इसका डाउन में आ सकता है। फिर अगर मान लीजिए कि अगर बटन आपका अच्छा आ जाएगा तभी आपको 2000 के बाद में आगे जाएगा, अदरवाइज ये बटन ऑफ वाला ठीक नहीं रहेगा तो नहीं जा सकता है, 2021 में नहीं सेट हो सकता है, ये इसका ड्रॉबैक होगा। इसलिए अब हम इसको स्किप कर जाते हैं, क्या है, और मोड बटन दबा देते हैं। अब आप देखते हैं कि यहाँ पर मंथ ब्लिंक करने लगा, तो मेरा मंथ क्या है, अभी 6 करना है, जुलाई चल रहा है, तो जुलाई के क्या करेंगे, 8 हो रहा है तो 6 करना होगा। तो ये डाउन से बटन से प्रेस करेंगे, यहाँ पर 6 हो गया। और उसके बाद फिर मोड बटन को ऐसा प्रेस कर देंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर डे शो करने लगा। तो हमें जो हमारे पास में ये डेट, जो डेट रहेगा उस डेट को आप चेंजिंग कर सकते हैं। मान लो कि हमको डेट को चेंज करना है 19 है, अगर 20, 21, 25 करना है तो अप बटन का इस्तेमाल करेंगे, और अगर डाउन में है तो डाउन बटन का इस्तेमाल करेंगे। तो आज हमारा जो है डेट जो है 16 है, तो हम डाउन बटन को जो प्रेस करेंगे यहाँ पर देखिए हो गया। उसके बाद फिर मोड बटन को दबा देंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ब्लिंकिंग करने लगा। हमारा यहाँ पर जो है टाइम सेट हो गया, डेट सेट हो गया, मंथ, लेकिन ब्लिंकिंग को रोकने के लिए क्या करेंगे, इसको जो है सेटिंग को नॉर्मल में ला देंगे। तो आप देखते हैं ब्लिंकिंग करना बंद हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा सेटिंग हो गया है, 10:22 हो रहा है और 16 6 फ्राइडे दिखा रहा है। अगर इसको चाहते हैं कि आप जो 24 में करना चाहते हैं तो आप इसके पास में बटन है यहाँ पर सी एफ वाले में, यहाँ पर जो है 12x24 दिखा है, इसको प्रेस कर दीजिए, आप देखिए 24 दिखा रहे हैं, लेकिन हम फिर जो है इसको प्रेस कर दीजिए, AM PM दिखा दें। यदि ये मेरा आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।